उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही उसके सहयोगी और करीबियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में प्रयागराज प्रशासन द्वारा अतीक अहमद के एक और करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि घर पर बुलडोजर चलाने की वजह को लेकर ये बात सामने आई है कि ये घर अवैध जगह पर बना हुआ था। बिल्कुल सरासर झूठ, गलत इल्जाम है, बिल्कुल गलत इल्जाम है। कोई नोटिस नहीं मिली, नक्शा इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। जुनैद अहमद आप कौन है? ये मकान है किसका वैसे? मेरी बेटी का। आपकी बेटी का नाम ये मकान है? हाँ। इसको मासूक जी ने ट्रांसफर किया है? हाँ, बेटी को, क्योंकि पुश्तैनी जमीन थी, मासूक की भी नहीं है, मासूक की दादा बाबा की जमीन है। अच्छा। मासूक कोई पर्सनल खरीदे या वो नहीं है। नक्शा बता तो रहे कि अगस्त में मैंने दाखिल किया नक्शा, सितम्बर में मुझसे क्वेरी की गई, सितम्बर में मैंने उसका जवाब दिया क्वेरी का, नोटिस आई उसके बाद मैंने नक्शा दाखिल कर दिया पीडीए में, नक्शा दाखिल किया, नक्शा पे क्वेरी की गई मुझसे, क्वेरी का मैंने जवाब दिया और उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है, जो अतीक से जुड़े लोग हैं, अतीक अहमद से कोई संबंध है आपका? आपके आपने पूरे इलाहाबाद के जितने गद्दी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ा है, एक तरफ सबको मरवा दे गोली, एक तरफ सबको सारे गद्दियों को मरवा दे गोली, जितने गद्दी जितनी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ी हुई है। काहे के लिए फाइनेंसर? हम अपना मकान बनाने के लिए पर्सनल लोन 3 लोगों के लिए लिए, 35 लाख 36 लाख का मैंने लोन लिया बैंक से, तब मकान बना रहे हैं। किसी के बाद मुकदमा हमारे दामाद के यहाँ एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं भी हट जाता हूँ यहाँ से, एक मुकदमा आप दिखा दे, पूरा इलाहाबाद प्रशासन खड़ा है, एक मुकदमा मेरे दामाद के खिलाफ दिखा दे। क्या कहा गया? सिर्फ दुश्मनी यही है कि मुसलमान होने के नाते थे, और कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इतना दुश्मनी है।